हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ले लेनी है एंड इसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो इसको 30 सेकंड्स तक रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पिक्चर्स को ऐड कर लेते हैं। तो आपको बैकग्राउंड में जो भी पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, एंड इसको 10 सेकंड्स तक रख लेंगे एंड इसके बाद इसमें हम लोग मूव एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो आपको इस की वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड जब वीडियो स्टार्ट होगा तो ये पिक्चर यहाँ पे रहेगा एंड 10 सेकंड्स के आने के बाद इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं एंड इस पिक्चर को यहाँ पे रख लेंगे। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड को भी ऐड करेंगे, तो इसको भी हम लोग स्टार्ट से ऐड करेंगे। इसको भी हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको 20 सेकंड्स तक रख लेंगे। एंड जब 10 सेकंड्स पे वीडियो होगा तो फिर से हम लोग इसमें मूव एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे एंड स्टार्ट में इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड 20 सेकेंड पे इसको फिर से प्लस करके यहाँ पे रख लेते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पे 4 पिक्चर्स को ऐड करना है। इस पिक्चर को मैंने 10 सेकंड्स लिया है एंड इसको हम लोग 30 सेकंड्स तक रखेंगे। ओके, इसमें भी मूव एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं, तो 20 सेकंड पे इसको प्लस कर लेते हैं एंड स्टार्ट में ये यहाँ पे रहेगा एंड 30 सेकंड्स पे इसको फिर से प्लस कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लास्ट वाली बैकग्राउंड पिक्चर को भी ऐड कर लेते हैं। एंड इसको एंड तक रख लेंगे एंड 30 सेकंड्स पे इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं एंड स्टार्ट में ये यहाँ पे रहेगा तो गाइज आप लोग देख सकते हो हमारी बैकग्राउंड क्रिएट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड यहाँ पे ब्लू कलर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके आपको इफ़ेक्ट्स में आनी है एंड इसमें ब्लर वाली इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको भी एंड तक रख लेते हैं एंड स्क्रीन स्क्रीन वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे
एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके फिर से हम लोग एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ले लेंगे एंड इसकी भी साइज़ को 30 सेकंड्स तक रख लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड अभी हम लोग इसमें से ग्रीन कलर को रिमूव करेंगे तो आपको फिर से क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। ओके एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ, इसको सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको इस फ्रेम में रख लेते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही ये फ्रेम ख़त्म होगा तो इस पिक्चर को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड यहाँ से नेक्स्ट वाली पिक्चर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको भी इस फ्रेम में रख लेते हैं। तो इसी तरह आपको एंड तक सारे पिक्चर को ऐड कर लेनी है। तो मैं इसको अभी रहने देती हूँ, आप लोग ऐड कर लेना। एंड यहाँ पर मैंने टेम्पलेट वीडियो को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड करना है तो इसको स्क्रीन कर लेते हैं। ओके एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड इसको क्रॉप कर लेंगे। तो मास्क को एनेबल कर लेते हैं एंड इसको सर्कल वाली शेप में क्रॉप कर लेंगे एंड इस पिक्चर को यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को भी एंड तक रख लेते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसमें फोन स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे। ओके इसको भी एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुमसे।